मुंगेली में पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के विरोध में जिला कांग्रेस कमेटी ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया और जिला अध्यक्ष सागर सिंह बेस के नेतृत्व में लोरमी से कार्यकर्ताओं ने बैलगाड़ी में सवार होकर रैली निकाली और कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और पेट्रोल डीजल के दाम घटाने की भी मांग की गई। लोरमी से जिला अध्यक्ष सागर सिंह बेस पूरा कारवा के साथ मुंगेली के लिए कुछ किए हुए है, रास्ते में है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर ये अनोखा जो प्रदर्शन है किस तरीके के विरोध है आप लोग का? देखिए विरोध सीधा ही, हम आम जनता के दर्द को केंद्र सरकार के कानों तक पहुंचाना चाहते हैं। आज हम 27 लगभग 28 किलोमीटर की यात्रा साइकिल से हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि न केवल कांग्रेस के कार्यकर्ता बल्कि बड़ी मात्रा में किसान भी शामिल है, आम लोग भी शामिल है। केंद्र सरकार एक तरफ तो बात करती है कि लॉकडाउन पीरियड में आम लोगों को राहत पहुंचाने, लेकिन पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ाने किस नजर से देखते हैं? इसकी आवश्यकता नहीं थी केंद्र गवर्नमेंट को, जबकि लॉकडाउन लगा हुआ था, यहाँ पे हर किसी को बेरोजगारी की समस्या थी, छोटे आदमी हो बड़े आदमी हो सबको पेट्रोल डीजल की मतलब अनिवार्य आवश्यकता थी। उसके बावजूद भी केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ पे मतलब पेट्रोल डीजल के भाव बढ़ा करके के यहाँ पे सीधा इनके साथ जनता के साथ अन्याय किया गया है, जिसके विरोध में पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा मोहन मरकाम जी हमारे प्रदेश उनके द्वारा और जिला अध्यक्ष हमारे सागर सिंह बैस के द्वारा यहाँ पे एक बहुत बड़ी संख्या में हम लोग साइकिल से आगे मोदी सरकार के हम लोग विरोध कर रहे हैं यहाँ पे। कैमरा मैन नईम खान के साथ।